तो इस वीडियो में बात करेंगे आयरन मैन मूवी की फर्स्ट मूवी के बारे में, जो 2008 में आई थी। अब दिल किया कि यार पुरानी यादों को फिर से ताजा किया जाए, तो क्यों ना इस मूवी को दोबारा से देख ले। 13 साल पहले जब मैंने, मतलब ये 13 साल पहले जब ये मूवी आई थी, मैंने उस वक्त तो नहीं देखा था, मैंने 2008 में आई थी तभी देख लिया था। अब इस मूवी को जो दोबारा सा देखने का जो एक्सपीरियंस था वो अलग था। मतलब इसमें कहीं पर भी एक तो बोरियत सी मुझे कहीं पर भी फील नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने इसको शायद तीसरी बार या देख रहा हूँ या दूसरी बार देख रहा हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या इस मूवी की स्टोरी को डिस्कस किया जाए या नहीं किया जाए। चलो कर लेते हैं, क्योंकि यार देखो कुछ लोगों के पास शायद ये वीडियो पहुंच जाए जिन्होंने ये मूवी नहीं देख रखी। मुझे लगता नहीं है कि ये मूवी किसी ने देखी नहीं होगी, मार्वल के इतने ज्यादा फैन हैं तो उन्होंने तो सबने ये देख ही होगी। कोई शायद भूल से उसने ऐसी ना देखी हो, तो खैर उसका ध्यान रखते हुए मैं थोड़ा बहुत स्टोरी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे भी 40-50 व्यू से ऊपर आते नहीं है, मैं भी देखो कितना ध्यान रख रहा हूँ, बट पता नहीं पब्लिक को क्या चाहिए। खैर फोकस करते हैं मूवी की स्टोरी के ऊपर। तो एक अरबपति आदमी जिसका नाम है टोनी स्टार्क भैया, तो उनको पता चलता है कि उनके हथियारों का कोई और गलत यूज कर रहा है अफगानिस्तान में, मतलब आतंकी जो भी हैं गलत यूज कर रहे हैं। तो ये आतंकी इनको कब्जे मतलब किडनैप कर लेते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि भैया तुम हमारे लिए मिसाइल बना के दो, तब हमें तुम्हें जाने देंगे। तो आयरन मतलब कि जो टोनी स्टार्क है वहां से निकलने के लिए एक सूट बनाते हैं। तो एक जर्नी दिखाई जाती है फर्स्ट मूवी, ऑब्वियसली यार फर्स्ट मूवी बनाई क्यों हुई है, आयरन मैन कैसे बना, टोनी स्टार्क को कैसे रियलाइज हुआ कि अब उसको कुछ और नया करना है। तो यहां पर फर्स्ट मूवी के अंदर तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, यानी आयरन मैन का बनना, ये सब चीजें, तो विलन का थोड़ा बहुत इसमें दिखाया जाता है। खैर वो चीजें आपको पसंद आने वाली हैं इस मूवी में, अगर आपने ये नहीं देखी है तो काफी बढ़िया लगेगी आपको ये देखने में। देखो टेक्नोलॉजी के मामले में मूवी काफी अच्छी है, मतलब बेसिकली आपको पसंद आएगा। वो अलग अलग तरह के सूट देखने को मिलेंगे, वो धीरे धीरे जब आप आगे मूवी में बढ़ेंगे, मतलब इसकी सेकंड मूवी देखेंगे, इसकी थर्ड मूवी देखेंगे, तो अलग ही आपको एक्सपीरियंस मिलता चलेगा। तो टेक्नोलॉजी के मामले में तो ऑब्वियसली ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। जो सबसे ज्यादा मुझे ये मूवी पसंद आती है वो है टोनी स्टार्क का जो करेक्टर है, जिस तरीके से उसका बोलने का स्टाइल है, बात करने का, मतलब बात और बोलने का तो सेम ही हो गया, मतलब जो बिहेवियर है, सामने वाले को जैसे ट्रीट किया जाता है। और एक जो मेरा एक्सपीरियंस है फर्स्ट मूवी जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था, कि जितनी भी मैंने हीरो वाली मूवी देखी थी जिसके अंदर सुपर हीरो होते हैं, उनके पास पावर होती है, तो वो अपने आप को छुपा के रखते हैं नकाब में। तो जब यहां पर एंडिंग आती है, स्पॉइलर शायद आ सकते हैं, यार स्पॉइलर की तो क्या बात करूं, एक छोटी सी तो बात है। तो जब एंडिंग में जब आयरन मैन जब जाता है, मतलब टोनी स्टार्क जाते हैं मीडिया को बताने कि हाँ भाई वही आयरन मैन हूं, तो उस वक्त मेरा ना मतलब हैरान हो गया, क्या सच में बता दिया ये बात कि ये आयरन मैन है। तो वो मेरा फर्स्ट ऐसा रिएक्शन रहा था, तो अभी भी याद है मुझे कि मतलब गट्स है बंदे में। और एक स्पाइडरमैन देख लो, क्यों नाम ले रहा हूं यार, नूब आदमी। और वैसे भी टोनी स्टार्क का जो करेक्टर वो सच में काफी ज्यादा पसंदीदा किया जाने वाला करेक्टर है। मतलब आप इसको फर्स्ट मूवी से देखो, आयरन मैन की फर्स्ट मूवी से लेकर अवेंजर एंड गेम तक जैसा स्वैग बनता है भाई का, भाई साहब वो अलग ही है, वो तब से मेरा फेवरेट बना हुआ है। अब देखो यार आप इतनी पुराने टाइम की मूवी देखते हो, मतलब 13 साल हो चुके हैं उस मूवी को आए हुए, तो थोड़ा बहुत आपको VFX में अजीब लग सकता है। खैर एक छोटा सा सीन जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि जब टोनी स्टार्क को किडनैप किया जाता है, उसको वहां पर अफगानिस्तान में जब मतलब वो कोई गुफा हुआ होती है उसके अंदर रखा जाता है, तो वहां पर जैसे वो निकलने के लिए जो सूट बनाते हैं वो बड़ा अजीब सा होता है। मतलब जब वो रेत में बिखर जाता है तो ऐसा लगता है ये तो पत्रे थे, इनको जोड़ के कैसे बना लिया, तो वो थोड़ी बहुत आपको अटपटा सा वहां लगेगा, वो लगता है कि ठीक है यार इसको भी सही लगते, और उस वक्त बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन अब के टाइम में कंपेयर करके देखो तो अजीब सी फीलिंग आती है। और एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में आता है, मैं कि यार ये जो सूट बना रखा है इतना क्या कंफर्टेबल है यार, लोहे का सूट है, पसीना नहीं आता हुआ क्या, मतलब एसी लगा रखा है इस सूट के अंदर। और दूसरी बात, पेट में गैस गूस बन जाती है तो अंदर ही गैस छूट जाती है, तो बदबू कैसे आती है, क्या पीछे से खुलता है क्या वो, कितने अजीब से सवाल। यार ये सारे सवाल तो मुझे नहीं लगता इनका जवाब मिल पाएगा, मतलब क्या पूछ रहा हूँ यार। ये तो सब मजाक की बातें थी। मूवी के ऊपर बात करूं तो देखो मूवी की स्टोरी अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, एक जर्नी देखने को मिलेगी, तो आपको बेशक पसंद आएगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मेरी तरफ से इसको मैं देना चाहूंगा 8 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी तो बेशक देख रखी होगी। तो यार किस चीज का वेट करते हो, कमेंट कर दिया करो यार, वैसे भी 40-50 से व्यू तो ऊपर वैसे ही नहीं आ रहे, थोड़ा बहुत करो यार इसको। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।